नमो नमो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में बीए पार्ट थर्ड में व्याकरण विषय में अब तक हमने पढ़ी भवादी गण की परस्मैपद धातु और परस्मैपदी धातु पढ़ी, और आज हम करेंगे एद धातु के आत्मनेपद के रूप। कौन सी धातु करेंगे विद्यार्थियों? एद धातु है और आत्मनेपदी धातु है, तो इसके पांच लकारों में सिद्धियां करेंगे एद धातु की आत्मनेपदी धातु की विद्यार्थियों। और इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें क्योंकि परीक्षा 2020 में इसमें से कोई भी सिद्धि या सूत्र नहीं आया है, तो 2021 में 100% ऐसी संभावना की जा सकती है कि इसमें से कम दो सूत्र और दो सिद्धियां आएंगी विद्यार्थियों। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बाकी तो क्या है कि जो सिद्धियां होती हैं वो प्रायः वैसे ही होती हैं जैसे भूखी हुई हैं, किंतु कुछ सूत्र नए लगते हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। देखिए, आत्मने पदी एक धातु अब देखिए हम लट लकार में सबसे पहले एद धातु के रूप लिखेंगे विद्यार्थियों, और एद धातु के रूप लिखेंगे, उसके बाद फिर कुछ सूत्र लिखेंगे, और सूत्र लिखने के बाद फिर हम सिद्धियां करेंगे। देखिए, ये एद धातु के लट लकार के रूप हैं। देखिए, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, इसके बाद आप लिखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, इसके रूप लिखेंगे आप एक ते विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र लिखेंगे टित आत्मने पदानाम तेरे, टित आत्मने पदानाम
यह सूत्र है विद्यार्थियों, टित का मतलब तो आप जानते ही हैं, टित किसको कहते हैं हम, जिसमें ट की इत संज्ञा हो जाती है उसको कहते हैं हम टित कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ है, टित लकार के स्थान पर आदेश होने वाले, इसका अर्थ क्या है विद्यार्थियों, टित लकार के स्थान पर आदेश होने वाले टित लकार के स्थान पर आदेश होने वाले आत्मने पद प्रत्ययों की टी को एकार आदेश हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों क्या कहा है इसमें के जो आत्मने पद प्रत्यय होते हैं, मैंने आपको पढ़ा था तंगानावा आत्मने पदम पढ़ाया था आपको, और उसमें मैंने आपको बताया था तंग प्रत्याहार होता है। तंग प्रत्याहार में कौन से प्रत्यय आते हैं विद्यार्थियों, त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, और ये क्या होते हैं आत्मने पद प्रत्यय होते हैं। और टित लकार कौन से हो गए, टित लकार होते हैं लट आदि। तो हमारी बात किसकी चल रही है, लट लकार की, तो ये टित है क्योंकि इसमें से टा की संज्ञा होती है, तो टित लकार के स्थान पर आदेश होने वाले, जैसे टित लकार है मान लीजिए, और उसके स्थान पर कौन सा आदेश होगा, मान लीजिए तिप, तिप तो आएगा नहीं क्योंकि तिप तो परिसमय पद है, तो आत्मनि पदों में कौन सा आता है, त प्रत्यय आता है। तो अब जो त प्रत्यय आता है तो आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए जैसे आप लिखेंगे एध प्लस त प्रत्यय कर देता हूं मान लीजिए, और हम लिख देंगे इस स्थिति में अब क्या होता है विद्यार्थियों कि ये जो हो जाता है इसके बाद जो स्थिति होती है वो कैसी होती है कि टी, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था अचो अंत्यादि टी, और ये जो अचो अंत्यादि टी है आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा और रूप संधि में अचो अंत्यादि टी यह कहता है कि अगर कोई शब्द समुदाय है, वर्ण समुदाय है, और वर्ण समुदाय का जो अंतिम अच होता है वह क्या कहलाता है, टी कहलाता है। तो देखिए अगर इस ता में देखेंगे आप तो ये ता कैसे बन रहा है, त और अ, अगर इस आ के बाद कोई व्यंजन होता तो वह व्यंजन और ये आ दोनों मिलकर के क्या कहलाते, टी कहलाते। और अब अंतिम स्वर क्या है, आ है, तो इसको क्या कहेंगे, टी कहेंगे, और इसके बाद अगर कोई स्वर होता तो उसको भी क्या कहते हैं, हम टी कहते हैं। तो इसकी संज्ञा क्या हो जाएगी, टी। और ये सूत्र क्या कहता है कि जो आत्मने पद प्रत्यय है, मान लीजिए यह आत्मने पद प्रत्यय हमारा, तो इस आत्मने पद प्रत्यय की जो टी है वो क्या है, आ है, तो इस आ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह काम करता है हमारा यह सूत्र विद्यार्थी। और देखिए आप लिखेंगे आप एध प्लस ते, और सूत्र लग जाएगा आप लिखेंगे टित आत्मने पदानाम आत्मने पदानाम तेरे सूत्र स
कि टी को ए आगे ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम सिद्ध करेंगे ए द्वितीय की, और ए द्वितीय क्या है आप लिखेंगे एक धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन इसकी सिद्धि करेंगे हम। अब देखिए आप सिद्धि जब प्रारंभ कर देंगे तो आप वही पहले वाली जो प्रक्रिया है हमारी, आपको पता है लट लाते हैं तो किससे आता था, वर्तमान लट से, फिर सब आ जाता है इस प्रकार से, जो पहले हमने भूधातु में की थी उसी प्रकार से करनी है। देखिए एक प्लस लट सूत्र लाएंगे आप वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल के व्यवस्था में धातु से लट का आगम इसके बाद विद्यार्थियों लट के टा की संज्ञा कर लेंगे हलंत्यम से और लट के आ की संज्ञा कर लेंगे उपदेश या जब नासिक से। तो देखिए एक प्लस इसको एक साथ कर देता हूं विद्यार्थियों में लोग आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की एक संज्ञा अस्य रूपः सूत्र से हलंत्यम सूत्र से लटके टकार की संज्ञा व तस्य रूपः सॉरी नासिक इत
तुत से लट के अकार के हित संज्ञा तथा तस्य लोकः सूत्र से इत संज्ञक टकार व अकार का लोप अब विद्यार्थियों आपके पास ल शेष रह जाता है और ल के स्थान पर कौन से आते हैं 18 प्रत्यय आते हैं तिंग, किंतु हमको क्या चाहिए तंग प्रत्याहार का प्रत्यय आत्मनिर्भर। तो आप लिखेंगे देखिए एक प्लस त, क्योंकि जो आत्मनिर्भर प्रत्यय विद्यार्थी वे नोई है तातां झ था सातां धम इट वही महिंग। और आप लिखेंगे देखिए आपने पहले कौन सा लिखा था, पहले आपने लिखा था विद्यार्थियों लह परस्मै पदम, तो अब आप लिखेंगे तंगानावा आत्मने पदम। क्या लिखेंगे तंगानावा तुमने पदम। फिर देखिए एक सूत्र था कौन सा सूत्र लाएगा, तो उसमें हमने लिखा शेषात कर्तरी परस्मै पदम, लेकिन यहां लिखेंगे हम अनुदात्त गित आत्मने पदम। प्रथम मध्यमोत्तमा तान्येकवचन द्विवचन सूत्रों की सहायता से सूत्रों की सहायता से तिप्तजी सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनिर्भर संज्ञक आदेश
अब देखिए पहले तो आप क्या लाए थे, पहले आप लाए थे परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय, और अब जो एध धातु की सिद्धियां चलेंगी तो उसमें कौन सा आएगा हमारा आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उन्हें फिर आगे सिद्धि को बढ़ाते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, अब आप क्या करेंगे कि इसकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे। आप लिखेंगे ए प्लस ता और सूत्र लग जाएगा तिंग सित सार्वधातुकान्। सूत्र से तिंग सित सार्वधातुकान् सूत्र से ता प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा और उसके बाद विद्यार्थियों सब ले आएंगे और आप लिखेंगे कर्तृ शब्द सूत्र से कर्तृ शब्द सूत्र से कर्ता अर्थ में सब आगम देखिए ये जो सप है विद्यार्थियों, सप में से पा और सा की संज्ञा करके उसका लोप कर लेंगे और आ शेष रह जाएगा हमारे पास। और फिर देखिए आ शेष रह जाएगा सबका और आप लिखेंगे सूत्र हलंत्यम सूत्र से हलंत्यम सूत्र से सबके पकार व लसर्प तद्यते सूत्र से सबके सकार की इत संज्ञा व तस्य लोपः सूत्र से संज्ञक पकार व सकार का लोप। अब देखिए विद्यार्थियों,
आपको पता है क्योंकि भू धातु में हम इसकी पुनः सार्वधातुक संज्ञा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भू धातु को गुण करना होता है, लेकिन इसमें हमें विद्यार्थियों गुण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसकी पुनः सार्वधातुक संज्ञा नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे आप, इसकी जो टी है उसको ए कर लेंगे। एक प्लस सब प्लस ते, क्योंकि आ तो ए हो जाएगा और सूत्र लगा देंगे आप पित आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से को ए आदेश और इसको जोड़ देंगे विद्यार्थियों तो सूत्र ए नुते बन जाएगा और परिभाषा लगा देंगे आप अधीनाम परेण संयोजन ठीक है विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी एक सिद्धि हो गई आत्मने पद की एदते। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन में और सिद्धि का नाम है एधन्ते और ये बहुवचन की सिद्धि है विद्यार्थियों। कौन सा वचन है? बहुवचन, बहुवचन की सिद्धि है। तो आप इस सिद्धि में क्या करेंगे, देखिए कि इस सिद्धि में आपको क्या करना है, जिस प्रकार से आप लट लाए, लट के स्थान पे क्या लाए थे, कौन सा प्रत्यय लाए थे, त। अब हमको कौन सा लाना है बहुवचन में, झ। तो मैं उन सूत्रों को नहीं लगा रहा हूं, आपको वे लगाने हैं। कौन से सूत्र हैं? लट के बाद फिर लट के टा की संज्ञा, फिर लट के आ की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, और उसके बाद ल के स्थान पर जो झ आएगा, झ प्रत्यय किन सूत्रों से आएगा, तंगाना वा आत्मने पदम अनुदात किन तात्मने पदम तिंग स्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा तान्य वचन द्विवचन बहुवचनानि एक सा, इन सूत्रों की सहायता से। और तिप्तस्जी सिप्तस्थ ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र से लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन में आत्मनेपद संज्ञक झ प्रत्यय आदेश, इसके बाद सिद्धि कर रहा हूं विद्यार्थियों में। देखिए आप लिखेंगे एध प्लस झ और हम करेंगे तिंग सिद्ध सार्वधातुकम् सूत्र से झा की
संज्ञा। और उसके बाद देखिए फिर इस झात के पहले शब्द आएंगे और सब सूत्र लग जाएगा आपका विद्यार्थी हो। कर्तरी शब्द सूत्र से क्या लग जाएगा? कर्तरी शब्द सूत्र से कर्ता अर्थ में सब आगम अब देखिए विद्यार्थियों आपको पता है सबके पा की संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है और सबके सा की लसत्व तद्धिते से। तो देखिए आप लिखेंगे एद प्लस आ प्लस झ और सूत्र लिख लेंगे आप हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार और लसन को तद्ध के सूत्र से सबके सरकार की संज्ञा वह तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप अब देखिए हमें गुण नहीं करना इसलिए विद्यार्थी इसके साथ धातु संज्ञा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे इस झा के स्थान पर अंत आदेश कर लेंगे झो अंत सूत्र से और केवल झा के स्थान पर होगा झा में जो आ लगा हुआ है उसके स्थान पर नहीं होगा। तो देखिए एक प्लस सब प्लस अंत और ये आ बचेगा विद्यार्थियों जो झा में था तो आप लिख लेंगे जो अंत सूत्र से प्रत्यय के अवयव जकार के स्थान पर अंत आदेश अब देखिए विद्यार्थियों इसकी अगर हम प्रत्यय की टी देखेंगे तो टी क्या है आ है और आ को हो जाएगा ए आदेश और आप लिखेंगे एद प्लस सप प्लस अंत प्लस ए और सूत्र लग जाएगा चित आत्म ने प्रदान
तेरे सूत्र से आत्मने पद प्रत्यय की टी को ए आदेश और फिर देखिए जिस प्रकार से आपने भवंती में लगाया था अतो गुणे वह सूत्र यहां भी लग जाएगा और ये हो जाएगा एद प्लस अंत प्लस ए और सूत्र लग जाएगा अतो गुणे सूत्र से पर रूप एकादेश और फिर विद्यार्थियों आप अजीनम परेण संयोजन से इसको जोड़ लेंगे और ये बन जाएगा एधंते। कौन सी परिभाषा लिख देंगे यहां पर आप अजीनम परेण संयोजन से संयोग करने पर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों के एक सूत्र है सार्वधातुकम् अपित यह सूत्र क्या करता है विद्यार्थियों जो अपित होते हैं अपित का मतलब होता है जिसमें से पा की इत संज्ञा नहीं होती है उसको बोलते हैं हम अपित और पित किसको बोलते हैं पित उसको बोलते हैं जिसमें से पा की इत संज्ञा होती है जैसे तिप प्रत्यय है तिप में से पा की संज्ञा होती है तो वो क्या कहलाएगा पित सिप में से पा की संज्ञा होती है वह पित है मिप में से पा की संज्ञा होती है वह पित है सप में से पा की संज्ञा होती है वह पित है और अपित कहते हैं जिसमें से पा की इस संज्ञा नहीं होती है तो ये क्या करता है उसको गित कर देता है। देखिए क्या कहता है कि पित से भिन्न सार्वधातुक क्या कहता है ये सूत्र पित से अब देखिए क्या कहते हैं किस पित यह है विद्यार्थियों
तो देखिए क्या कहते हैं, इसका अर्थ है पित्त से भिन्न सार धातु को गेत मत हो, देखिए क्या कहते हैं कि जो सार्वधातुक प्रत्यय ऐसा हो जिसमें से गा की संज्ञा नहीं हुई है, कैसा हो विद्यार्थियों, जिसमें गा की संज्ञा नहीं हुई है तो उस प्रत्यय को क्या हो जाता है, गितवत भाव हो जाता है। कौन सा भाव हो जाता है, गितवत भाव। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, एक सूत्र है आतो गितः आतो गितः। अब देखिए यह सूत्र क्या कहता है, अदंत अंग से परे क्या कहता है, अदंत अंग से परे गितों के आकार के स्थान पर, अदंत अंग से परे गितों के आकार के स्थान पर यह आदेश हो जाता है, देखिए यह प्रत्यय क्या कहता है, अदंत अंग से परे गीतों के आकार के स्थान पर, केवल आ के स्थान पर होना विद्यार्थियों, क्या आदेश हो जाएगा, इय। जैसे देखिए आप लिखेंगे एग और ये सबका आ जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अदंत अत, अत कहते हैं जिसके अंत में ह्रस्व आकार हो और अंत कहते हैं अंत, अदंत का मतलब होता है अत अंत, जिसके अंत में ह्रस्व आकार हो उसको कहते हैं हम अदंत। तो देखिए एग ये अदंत हो गया क्योंकि आ है इसके अंत में, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आताम, और ये कौन सा प्रत्यय होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में त आताम झ से पहला, ये द्विवचन की सिद्धि विद्यार्थियों, ये हमने बहुवचन की थी पहले। अब देखिए आपको क्या करना है, यह सूत्र क्या कहता है, अदंत अंग जिसके अंत में आ हो उसके बाद जो गित प्रत्यय होते हैं, क्योंकि मैंने आपको यह जो सूत्र लिखाया है वह क्या करेगा, इस प्रत्यय की गितवत संज्ञा करेगा, गितवत भाव करेगा, यानी ये गित हो गया, और ये सूत्र किसको काम करता है, गितों में करता है, तो ये गित हो जाएगा, इसका ये जो आ है ना विद्यार्थियों, इस आ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा हमारा, ईय, और ये जो ई आदेश हो जाएगा, तो देखिए यहां लिख देंगे हम इस स्थिति में, और यहां लिख देंगे एक प्लस आ प्लस, देखिए केवल इस आ के स्थान पर आना है ईय, ये हो जाएगा ईय और ताम, और सूत्र लग जाएगा आतो गितः, कौन सा सूत्र लगेगा, आतो गितः, ये जो सूत्र है विद्यार्थियों आतो गितः, यह सूत्र लग जाएगा, और आप देखेंगे सूत्र से गित
स्थान पर गित आताम के आकार के स्थान पर ईय आदेश। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा आदेश हो गया? ईय। और ईय आदेश हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ई आदेश हुआ है, यह ई आदेश आपको प्रथम पुरुष द्विवचन में और मध्यम पुरुष द्विवचन में करना है। ये दोनों ही सूत्र लगेंगे आपके। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम सिद्धि करेंगे हम ए देवताम और ये किसकी है? एक सॉरी ये सिद्धि है विद्यार्थियों, ए धेते कौन सी है? ए धेते। ठीक है विद्यार्थियों, यह सिद्धि है ए देते। और ए देते जो सिद्धि है, अब आप क्या करेंगे? देखिए कि जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई है, कहां तक की? आताम लाने तक की। उस प्रक्रिया को मैं यहां नहीं करूंगा। सबके विकरणों का जो लोप हो जाता है, उससे आगे मैं विद्यार्थियों आपको बताऊंगा। देखिए जैसे एक है, आप सब ले आते हैं और सबका क्या रह जाता है? आ रह जाता है आपके पास शेष, और उसके बाद आपका प्रत्यय आ जाता है आताम। ठीक है विद्यार्थियों, आप ये जब आताम आ जाता है और ये भी लोप हो गया है, तो आप सूत्र यहां लाएंगे इसके लिए। इससे जो पहली की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? कि एद के बाद आताम लाते हैं, और आताम लाने के बाद क्या करेंगे हम? कि आताम की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, फिर कर्तरी सबसे सब ले आएंगे, और फिर सबके पा और सा की संज्ञा करके लोप करेंगे, तब हम यहां पहुंचते हैं। और देखिए अब लिखेंगे हम ये सूत्र अभी लिखाया मैंने, और आप देखेंगे सूत्र से आसाम को गित्वत भाव और फिर विद्यार्थियों आप क्या करेंगे? इस आ के स्थान पर मैंने आपको जो अभी सूत्र लिखाया था, कौन सा? आतो घित
वह सूत्र क्या करेगा, इस आगे स्थान पे डीएल ले आएगा। आप लिखेंगे एज प्लस सब प्लस ईयर और काम है, और सूत्र लिख देंगे आप आत्मवेतन सूत्र से आकाम के आकार के स्थान पर ईय आदेश। फिर देखिए विद्यार्थियों, इस या का लोप कर लेंगे, आपके पास सूत्र है लोपो व्योर्वली, और ये स्थिति आ जाएगी एद प्लस सब प्लस ई प्लस ताम, और सूत्र हो जाएगा आपका लोपो व्योर्वली सूत्र से ईय के यकार का लोप ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों को गुण कर देंगे, आप देखिए आ और ई क्या हो जाएगा गुण ए, और काम है आपके पास, और सूत्र हो जाएगा विद्यार्थियों आद ब्रह्मा सूत्र से पूर्व और पर ई को एक गुण आदेश, एक गुण आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों, और फिर इसकी टी को ये कर लेंगे। अब इसकी टी क्या हो जाएगी, आ और मां, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों एक प्लस ए प्लस टे, क्योंकि जो आम है आम को हो जाएगा ए, और टे हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इसको अगर हम अलग करें तो ये हो जाएगा आपका ता और आम, ये स्थिति है इसकी। तो इस आम को ए हो जाएगा, ये स्थिति ऐसे रहेगी विद्यार्थियों, आपको ये लिखना है। और आप लिखेंगे पित आत्मने प्रदानाम तेरे सूत्र से आताम प्रत्यय की टी और टी में हो जाएगा को एक कार आदेश, और उसके बाद देखिए तित आत्मने पदानाम तेरे जो सूत्र है, आप चाहें तो इसमें एक सूत्र लगा देंगे, कौन सा यही लगा लेंगे आप अचो अंत्यादि टी, प्रत्येक जगह जहां आप तेतात्मने पदानाम तेरे सूत्र लगाएंगे वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस सूत्र को ला देंगे अचो अंत्यादि टी सूत्र की सहायता से, तेतात्मने पदानाम तेरे सूत्र से
आत्मनेर पद प्रत्यय की टी को ए आदेश, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भैया ए दे थे, सॉरी ए दे थे, और परिभाषा लग जाएगी आपकी अधीनम परेण संयोजन। तो ये बन जाएगा आपका ए धे ते, प्रथम पुरुष द्विवचन का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, एक सिद्धि होती है मध्यम पुरुष द्विवचन में, और कौन सी सिद्धि होती है? ए दे थे। यह सिद्धि भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे ए दे ते होती है। देखिए इसमें आपने कौन सा प्रत्यय लगाया? यह लगाया था आताम। अब देखिए ये मध्यम पुरुष द्विवचन की आपको ये ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? इसका। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक प्लस प्लस आभाम, प्रक्रिया वही रहेगी। आप लट लाएंगे, लट के टा और आ की संज्ञा करेंगे, फिर लट के ला के स्थान पर आथाम यह प्रत्यय ले आएंगे, फिर इसकी सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, और फिर कर्ता अर्थ में आप सबका आगम कर लेंगे। और जब सबका आगम हो जाएगा विद्यार्थियों, तो सबका आगम होने पे आप क्या करेंगे कि सबके जो अनुबंध हैं प और सा, उसकी संज्ञा करके लोप कर लेंगे और ये स्थिति मिल जाएगी हमें। फिर हमको क्या करना है, सार्वधातुकम अपित सूत्र से ये जो आसाम था, कौन सा प्रत्यय विद्यार्थी हो? आथाम। ये जो प्रत्यय है इस आथाम को कर लेंगे हम गिंतवत भाग, और फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों कि ये फिर क्या है, इस आथाम का जो आ होगा उसके स्थान पर हम कर लेंगे ई आदेश। आथाम प्रत्यय है, आथाम प्रत्यय के आकार के स्थान पर विद्यार्थियों क्या आ जाएगा? ई आदेश हो जाएगा, और फिर ई के या का लोप कर लेंगे, लोपो व्यवहार वाली सूत्र से यकार का लोप हो जाएगा, और आगमन सूत्र से फिर क्या होगा, यह ए हो जाएगी, और वही प्रक्रिया है। फिर देखिए टित आत्मने पदानाम तेरे, इसमें मैं आपको एक बार लिख देता हूं, आपको ऐसे लिखना है अचो अंत्यादि टी, सूत्र की सहायता से आत्मान की टी को आम आदेश
ठीक है विद्यार्थियों। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये थाम को थे हो जाएगा और यहां भी थे होगा, तो आपका बन जाएगा ए बे थे। फिर विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक सूत्र है हमारे पास और सूत्र है थासह से। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? थासह से, और सूत्र आप लिख लेंगे टित लकार के स्थान पर आदेश हुए। क्या लिखेंगे? टित लकार के स्थान पर आदेश हुए। क्या कहते हैं? टित लकार के स्थान पर आदेश हुए थास, और थास कौन सा होता है? मध्यम पुरुष एक वचन का जो प्रत्यय होता है विद्यार्थी, उसको क्या कहते हैं? हम थास कहते हैं। उसके स्थान पर से आदेश हो जाएगा। देखिए जैसे ए प्लस सब प्लस थास, ये स्थिति है। आप लिखेंगे इस स्थिति में और इसके बाद क्या किया? आप एध प्लस सब प्लस से, और आप कुछ लगा देंगे सूत्र कौन सा लगा लेंगे आप? खास से, और आप लिखेंगे सूत्र से खास को से आदेश। इसका विद्यार्थियों एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक शब्द सिद्धि करेंगे हम। एक से, और ये है विद्यार्थियों एक वचन की सिद्धि है। एक वचन की सिद्धि है तो आप क्या करेंगे? देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एद प्लस लट करते हैं, और एद प्लस लट करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, लट के जो अनुबंध हैं ट और आ की संज्ञा करते हैं और लोप कर देते हैं।
फिर उस लट के ला के स्थान पर आप ले आएंगे थास प्रत्यय, और थास प्रत्यय जब ले आएंगे तो फिर वो सब सूत्र जो आपने याद किए हैं वे लग जाएंगे, और फिर थास की कर देंगे हम सार्वधातुक संज्ञा। देखिए मैं यहां से कर रहा हूं एद प्लस सब, सबका आ है विद्यार्थियों, तो मैं लिख देता हूं यहां था ही लिख देता हूं और सूत्र लिख देता हूं मैं तिंग सिद्ध सार्वधातुकम्। सूत्र से थास की सार्वधातुक संज्ञा इसके बाद विद्यार्थियों सब ले आएंगे आप, और आप देखेंगे कर्तरी सब सूत्र से सबका आगम और फिर देखिए इसके अनुबंधनामा लोग कर देंगे ठीक है विद्यार्थियों, और अनुबंधों का लोग कर देंगे और फिर लिख देंगे आप खास, आप लिख देंगे पावसा अनुबंधों का लोग, आपको सूत्र लगा रहे हैं विद्यार्थियों जिनसे लोग होते हैं, और उसके बाद देखिए एक प्लस सब प्लस से और सूत्र लग जाएगा आपका हास से सूत्र से थास को से आदेश और उसके बाद जाके से की टी को ए कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि इसमें तो ए पहले से है लेकिन हमको सूत्र लगाना पड़ेगा, और आप लिखेंगे अचो अंत्यादि टी सूत्र की सहायता से अचो अंत्यादि टी सूत्र की सहायता से कृत आत्मने पदानाम तेरे सूत्र से आत्मने पद की टी को एक आदेश, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपके एध से, और रह गई हैं विद्यार्थियों पांच सिद्धियां और रह गई हैं, इनको हम आगे वाले लेक्चर में कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और व्याकरण में बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें जिससे आपके परीक्षा परिणाम में आपसे कोई भी गलती नहीं हो। जय हिंद।